आपका ज्ञान ही आपको चार लोगों के बीच में खड़े होने लायक बनाता है। अब आप किसी ऐसे ग्रुप में खड़े हो जाओ जो क्या बात कर रहा है आपको पता तक नहीं है, तो आप बस स्माइल करते हुए हाँ हाँ में सर हिलाते रहोगे। और कई बार तो यार लोग पूछ भी लेते हैं कि बताइयो जरा क्या बोला मैंने या क्या मतलब है इसका, और फिर हमें अपने अंदर बड़ी बेशर्मी सी फील होती है कि यार मुझे पता तो कुछ है नहीं, अब इसने एकदम से पूछ लिया तो मैं क्या आंसर करूं। और हम ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी सामने वाला हंस पड़ता है कि यार तुझे ये भी नहीं पता, और हाँ हाँ मैं सर तो बड़ी जल्दी हिला रहा था। और यार सिर्फ इतना ही नहीं, जब हमें पता नहीं होता कि लाइफ में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, तो हम बाहर के ज्ञान से बिल्कुल परे रह जाते हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो वो ये है कि किसी को नया मोबाइल खरीदना है तो एक नॉर्मल बंदा दुकान पर जाएगा और दुकानदार को बोलेगा कि मुझे इतने से इतने तक की रेंज में कोई मोबाइल दिखा दो। अब दुकानदार उसी रेंज तक के उसे मोबाइल दिखा देगा और वो उसी में से कोई ना कोई मोबाइल खरीद कर ले आएगा। पर आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि कंपनी अपने नए मोबाइल और कई बार कुछ ऐसे मोबाइल जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं वो सिर्फ ऑनलाइन ही सेल करती है। अब जो दुकानदार आपको मोबाइल देते हैं वो पहले के मोबाइल होते हैं, हर बार आपको लेटेस्ट मोबाइल नहीं मिलता। पर अगर उस बंदे को इस चीज की नॉलेज होती, इस चीज का ज्ञान होता, तो वो जरूर पहले ऑनलाइन चेक करता, देखता उस रेंज में उसे कौन कौन से नए मोबाइल मिल रहे हैं, फिर वो उसके रिव्यू पढ़ता कि कहीं कुछ खराबी तो नहीं है इसमें, कहीं इसकी बैटरी कम तो नहीं चल रही या कहीं इसमें हीट का इश्यू तो नहीं है। मतलब एक समझदार बंदा पूरी तरह चेक करके फिर मोबाइल लेता, और यहाँ उसे लेटेस्ट जो हाल ही में मोबाइल लॉन्च हुआ है वो मिलता। पर क्योंकि उसे इतना ज्यादा नहीं पता था तो वो सीधा दुकान पर जाकर मोबाइल ले आया। तो भाई यहाँ मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नई चीजों की नॉलेज होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप आज के जमाने के साथ नहीं चलते तो ये जमाना आपको पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाएगा। और मेरा मकसद हमेशा से यही है कि आपको समय के साथ साथ आगे लेकर चलूं, पीछे छोड़ू नहीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज वहां जरूर जुड़ो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आपको मेरी सारी अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो इस वीडियो के बाद वहां जरूर जुड़ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको नई नॉलेज कहां से मिल सकती है, कैसे आप अपने आप को और ज्ञानी और समझदार बना सकते हो, इसमें सबसे पहले है करंट टॉपिक को जानने की कोशिश करो। अब देखो आप सबके पास सोशल मीडिया है, सबके पास मोबाइल है, तो हम सब से कुछ भी छुपा हुआ तो नहीं है। आप मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ टाइम पास करने के लिए मत करो, आप इसे नॉलेज का सोर्स बनाओ। आपको करना यह है कि आप जब भी कोई नई न्यूज सुनते हो, जब भी आपको लगता है कि ये क्या हुआ या कोई नई चीज लॉन्च हुई है, क्रिकेट शुरू हुए हैं, कहीं पर बाढ़ आई है या कहीं भी कुछ भी हुआ, तो उसकी जानकारी यानी करंट टॉपिक की जानकारी लेने की कोशिश करो। जाना करो कि आखिर माजरा क्या है। इससे होगा ये कि आप में सवाल उठाने की उत्सुकता बढ़ेगी। वो बोलते हैं ना कि क्वेश्चन मार्क लगाओ, जानो जरा कि आखिर क्यों होता है ऐसा, क्यों है ये, साल में 12 ही महीने क्यों हैं, सूरज पूर्व से ही क्यों निकलता है, महंगाई के बढ़ने का राज क्या है, और हाल ही में अफगानिस्तान वाला जो केस हुआ वो हुआ कैसे। मतलब करंट सिचुएशन को जानने की कोशिश करो, यहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ने लगेगी। जब आप सवाल उठाने लगोगे तो आंसर भी ढूंढना शुरू कर दोगे, और ये होगा आपका पहला और भारी कदम जो आपको वाकई में काफी चीज जानने का मौका देगा। इसके बाद लाइफ से जुड़ी बुक्स और टॉपिक को सुनो। जिंदगी के एक्सपीरियंस पर कई बंदों ने अपनी बायोपिक लिखी होती है, कई बंदों ने एक्सपीरियंस शेयर किए होते हैं, कई वीडियोस में आपको लाइफ को प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी किताबें और वीडियोस हैं जो आपको लाइफ से रूबरू करवाती है, लोगों को जानना सिखाती है, कम्युनिकेट कैसे करें, कैसे किसी के साथ रहें, लाइफ के अलग अलग रंग क्या हैं। जब आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको कोई ना कोई बुक मिलेगी, कोई ना कोई ऐसी वीडियो दिखेगी, तो उसे आराम से सुना करो। जो काम की बात हो उसे अपने पास रखो, बाकी दिमाग से हटा दो बस। इसके बाद ठोकर से सीख लो। कहने की बात तो यह है नहीं मगर 100% सच है कि अपनी ठोकर से बड़ा गुरु दूसरा कोई नहीं होता। भाई जब आपको ठोकर लगती है तब आपकी आंखें खुलती है और तब आपका दिमाग दो गुना तेजी से काम करता है। तो अपनी ठोकर को व्यर्थ मत जाने दो, आप उससे सीख लो और लोगों को सिखाओ कि इस रास्ते पर चलो तो जरा संभल कर चलना। इसके बाद लोगों से बात करो या उन्हें सुनो। सबसे आसान तरीका है ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाने का, क्योंकि यार जब हम बोलते हैं तो हम बस अपनी ही बात रिपीट कर रहे होते हैं, पर जब हम सुनते हैं तो हम कुछ नया जानते हैं। तो सुनो ज्यादा और बोलो कम। देखो किस चीज का जिक्र किया जा रहा है, क्या आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और भाई सिक्के के दोनों साइड को जानो, यानी सिर्फ पॉजिटिव कुछ नहीं है और सिर्फ नेगेटिव कुछ नहीं है, आपको दोनों साइड को ध्यान में रखना चाहिए।
याद रहे, एक लीडर कभी भी सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाता, कभी भी सिर्फ एक साइड को देखकर लीडर नहीं बनता, वो जीतता है, वो लीडर बनता है क्योंकि उसने दोनों साइड को अच्छे से परखा है, तो उसे पता है कि कौन सी साइड पर कितना जोर देना चाहिए। बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना आपका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, और बहुत ज्यादा नेगेटिव होना आपको कॉन्फिडेंट कभी बनने ही नहीं देगा। तो नमक की तरह रखो चीजें, स्वाद अनुसार इस्तेमाल करो, हल्का सा भी कम और हल्का सा भी ज्यादा ना हो। तो यार ये थी कुछ बातें जो वाकई आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगी, आपको पॉजिटिव बनाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो, इंस्टा पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।